जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। हम सारे के सारे जो HSSC द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं इजीली, वो हम कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। HSSC PGT राजनीतिक विज्ञान 12/3/2016 को जो पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था। सेम टाइप का क्वेश्चन ही HSSC कल रख की जो परीक्षा हुई थी 4/12/2016 को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसको हम कैसे बिल्कुल इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर दे रखा है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताना है। करना कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है ना, लाभ प्रतिशत, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी ज्यादा मिलेगी, ये वैल्यू कम मिलेगी। अगर यहाँ पर आनी होती ना, तो यहाँ पर वैल्यू कम मिलती, यहाँ पर वैल्यू ज्यादा मिलती, ठीक है। बात प्रतिशत लाभ प्रतिशत की कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंस लेंगे। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 18 और 15 का डिफरेंस कितना आ गया, 3 बटे में ये जो विक्रय मूल्य है ना, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ये वैल्यू हमने नीचे लिखनी है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा ये नीचे, और गुणा में 100, 3 से काटेंगे तो ये 5 पर, 5 से काटेंगे तो ये 20 पर, तो आंसर हमारा आ जाएगा 20%, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। कहने का मतलब ये है, जो 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना, इसको तो हम बना देंगे क्या बोल देंगे इसको SP, और जो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो इसको हम मान लेंगे CP, इसका उल्टा कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसका डिफरेंस ले लेंगे, और नीचे हमारा लाभ या नियम किस पर कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ और हानि को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारा जो 15 है ना, अब CP बन जाएगा। ऐसे हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैंने ये दे दिया। अब करते हैं इसको, देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा। फिर सिचुएशन सेम है जैसे ऐसा क्वेश्चन था, यहां पर इसका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ गया डिफरेंस, 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना, 5 अपॉन ये वाला लिखेंगे, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो इसको हम SP बना देंगे। ये हमारा सेलिंग प्राइस है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसको हम CP बना देंगे। 5 का डिफरेंस ले लिया, और नीचे लिख देंगे हम 10 ये कॉस्ट प्राइस, तो हमारा आंसर आ जाएगा गुणा में 100, 0 से 0, 50% प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन कौन सा था, ये वाला। ये क्वेश्चन बार बार जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, इसको बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से एक बार में समझ लेना। आप बिल्कुल से देखते ही आपको पेन रखने की भी जरूरत नहीं है, और आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस लेना है, और नीचे ये लिख देना है बस, जो हमारा विक्रय मूल्य होता है ना, इसको हम कॉस्ट प्राइस बना देंगे, इसको नीचे लिख देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने इसमें किया था, इसका डिफरेंस लेकर 5 का डिफरेंस, और नीचे ये वाली वैल्यू लिख दी थी, जो विक्रय मूल्य था हमने ये कॉस्ट प्राइस बना दिया था, ठीक है, उल्टा करके लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, HSSC कलरक परीक्षा 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा आया था HSSC फीमेल स्वास्थ्य विभाग 2016 में। इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा संबंध है, देखो मैं बताता हूँ अभी। 12 पेनों का खरीद मूल्य यानी कि क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय कीमत का मतलब होता है विक्रय मूल्य के बराबर। अभी मैंने क्वेश्चन जो पीछे करवाया था कैसे करवाया था, इनका डिफरेंस कितना जाएगा, 4, और बटे में जो नीचे वाली वैल्यू है ये लिखेंगे 8, इसका मतलब गुणा में 100% के लिए 4 से काटेंगे तो 2 पर, 2 से काटेंगे तो ये 5 पर, हमारा आंसर कितना आ गया, 50%। ऑप्शन में क्या था, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 20 चीजों का जो क्रय मूल्य है ना, वो x चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब की बार यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया उसने, अब की बार ये निकालना है हमने, अब की बार प्रॉफिट, जैसे हम प्रॉफिट निकाल रहे थे ना इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट है, अब की बार प्रॉफिट गिवन है हमने, ये चीज निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक से देखो, यहाँ पर जो वैल्यू हमारी वो बड़ी है, और मैंने क्या बताया था, जब भी हमारा प्रॉफिट होता है हमेशा यहाँ वैल्यू ज्यादा मिलेगी, यहाँ कम मिलेगी, तो यहाँ पर कोई कम वैल्यू होगी, इसका मतलब 25% तो है नहीं। ऑप्शन से उठाएंगे, जैसे हमने ये उठा लिया 16%, 20 का और 16 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4, और बटे में जो नीचे लिखते थे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 8, इसी प्रकार हम कम वैल्यू लिखेंगे नीचे 16, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज में 4 × 16 और 4 × 25, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 25%, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, 25%, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रही होगी, वो रही होगी 16%।
इसका ही थोड़ा सा मॉडिफाई रूप है ये, थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है आपको ये चीज दे दे और ये दे दे और ये पूछ ले। अब की बार क्वेश्चन में क्या दे रखा था यहाँ पर, ये चीज गिवन थी और ये चीज हमने बतानी थी और हमारा प्रॉफिट दे रखा था, इस क्वेश्चन में हमने बताया था कितने परसेंट लाभ होगा, इसमें लाभ दे रखा है तो हमने ये वैल्यू बतानी थी, ऐसे हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, HSSC PGT इंग्लिश मेवात परीक्षा 8/3/2016 को यह क्वेश्चन आया था। HSSC कलर परीक्षा 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। इनमें डिफरेंस है थोड़ा सा, वो मैं बताता हूं आपको। देखो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, अगर आपने पूरे डिटेल में देखना है तो मेरा जो है ना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर, उसको आप इजिली और उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अच्छी डिटेल में मैंने उसको समझाया हुआ है, ठीक है। इसमें देखेंगे हम केवल और केवल ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो संतरे के दामों में 25% की कमी होने के कारण एक ग्राहक 16 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो हमने बताना है एक संतरे की मूल कीमत क्या थी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिक से देखो। पहला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25% की कमी ये लिखेंगे ऊपर, जो कमी हो रही है, ठीक है, बटे में 100 में से घटा के नीचे लिखेंगे, 25% की कमी होगी तो नीचे क्या लिख देंगे हम, 75, 100 में से घटा के, ठीक है। अगर 30% कमी होती तो 30 ऊपर नीचे कितना लिखते हैं, 70, ठीक है, गुणा में 16 रुपए में, हम रुपए लिखेंगे ऊपर, 16 रुपए में जितने भी वो संतरे केले या कोई भी आइटम वो खरीद रहा है या कम ज्यादा कर रहा है ना, 4 संतरे यदि खरीद सकता है, वो नीचे लिखेंगे आइटम को यहां, बस इसको काट देंगे, 25 से काटेंगे तो 25 + 75 और 4 से काटेंगे तो 4 × 16, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कितना, 4/3। तो संतरे की जो मूल कीमत थी ना कितनी थी, 4/3, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसमें दे रखा है ना ऑप्शन में, ये थोड़ा डिटेल में दे रखा है, तो बात करेंगे तो 3 × 9 = 9 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मूल कीमत क्या थी एक संतरे की, 1.33 रुपया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये आंसर है और ये वो हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसको, देखो केले के दामों में 40% की कमी होने से एक व्यक्ति 40 रुपए में 64 केले अधिक प्राप्त करने में समर्थ होता है, तो प्रति दर्जन का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। अच्छे से समझना, देखो 40% की कमी तो हम लिखेंगे यहां पर 40, 100 में से घटा के जैसे मैंने यानी कि नीचे लिखा था, यहां लिखेंगे 60। अब ध्यान से समझना है, 40 रुपए में रुपए हम लिखेंगे ऊपर और जो भी आइटम कम या ज्यादा खरीदता है वो नीचे लिखेंगे, 64 अधिक, देखो ठीक है। यहां पर केले की बात कर रहा था वो, लेकिन यहां पर प्रति दर्जन की बात कर रहा है, तो एक बार इसको काट लेंगे, देखो 0 से 0, 4 से ये 10 पर 4 से ये 16 पर, 4 × 16, 2 × 4 और 2 × 5 = 10, तो हम कह सकते हैं कितना, 5/12, ये पहले वाला मूल्य आ गया हमारा 5/12, लेकिन बात ये दर्जन की कर रहा है, तो एक दर्जन के लिए हम गुणा में 12 करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक केले की कीमत है 5/12 और 12 केलों की, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, एक दर्जन में 12, तो 12 से गुणा कर दिया तो यहां पर एक दर्जन की कीमत कितनी आ गई, 5 रुपये प्रति दर्जन, ठीक है। ये पहले रेट था 5 रुपये प्रति दर्जन का रेट था केले का, पूछा क्या गया है, घटा हुआ बताना है हमने प्रति दर्जन। अब घटा हुआ क्या, देखो पहले रेट था 5 रुपये प्रति दर्जन, 40% की कमी हुई थी तो सीधा मैं यहां पर 40% कम कर दूंगा इसको, 0 से 0, 5 × 10 और 2 से 3 पर, तो आंसर मेरा आ जाएगा 3, ये वाला आ जाएगा, घटा हुआ मूल्य क्या आ जाएगा, 3 रुपये प्रति दर्जन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखो जो ये था ना पहले वाला क्वेश्चन में केवल एक संतरे की मूल कीमत बतानी थी, इसमें क्या है एक संतरे एक केले की मूल कीमत 5/12 आ गई, लेकिन बात ये दर्जन की कर रहा था, तो एक दर्जन में 12 केले होते हैं, 12 से गुणा कर दिया तो एक दर्जन 5 रुपए के निकल के आए, ठीक है। अब यहां पर बताना घटा हुआ मूल्य, ये हमारा इस जो ट्रिक है ना, ये जो ट्रिक है इससे हमेशा पहले वाला मूल्य क्या था वो आएगा, इसमें मूल कीमत बतानी थी तो हमने सीधा यहां से आंसर ले लिया था मूल कीमत में, ठीक है। इसमें घटा हुआ मूल्य बताना है तो हमारा मेन जो था ना 5 रुपए दर्जन था रेट
केले का और 40% की कमी होने से यानी कि 3 रुपये प्रति दर्जन हो गए अब, तो वो क्या करता है 40 रुपये में 64 केले अधिक खरीद पाता है। इसका मतलब ये है। अगला क्वेश्चन देखो, HSSC PGT राजनीतिक विज्ञान 12/3/2016 को पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था और यह आया था हमारा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 में जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था वो। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक पेन को 51.70 रुपए में बेचे जाने पर 12% लॉस होता है, तो पेन का हमने क्रय मूल्य बताना था, इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा ज्यादा रहा होगा। कैसे करेंगे इसको, देखो 51.70 में बेच दिया पेन और उसे 12% की हानि हुई है, इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा था, तो 12% मैंने क्या बताया था 12% लॉस है, तो हमारे पास दो कंडीशन होगी, 100 में से घटा देंगे 88/100 या 100/88, इन दोनों में से एक से गुणा करना पड़ेगा, बस ये देख लेंगे क्रय मूल्य ज्यादा रहा है हानि हुई है तो हम इससे गुणा कर देंगे, तो गुणा में 100/88, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना जाएगा 58.75, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो, ये तो हमारा सॉल्यूशन रहेगा इसका। अब इसका देखो, एक वस्तु के मूल्य को 10% कम कर दें, अगर मान लिया वस्तु 100 रुपए की है, मान लीजिए पेन ये मार्कर है ना 100 रुपए का है, अगर इसमें से मैं 10% कम कर दूं मूल्य को, तो इसका मतलब इस मार्कर की कीमत 90 रुपये होगी। अब ये कह रहा है कि उसको दोबारा से पुराने मूल्य पर लाने के लिए, यानी कि अब ये 90 है ना, इसको वापस से 100 रुपये का करना है, 100 रुपये में लेके आनी है इसकी मूल्य, तो कितने परसेंट बढ़ाया जाएगा। देखो 100 रुपये कीमत थी, 10% कम कर दी, अब हो गया 90 रुपये का, वापस से इसको हमने उसी मूल्य पर लेना है, तो 100 रुपये का करना है ये मार्कर, तो हमें 10 बटाना पड़ेगा 10 रुपये मूल्य कितने रुपये पर, 90 रुपये पर, इससे काटेंगे 1/9 क्या होता है 11, सही 1/9%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन 3 और इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला देखो क्वेश्चन, HSSC PGT हिस्ट्री 13/3/2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया था और सेम क्वेश्चन आया था HSSC हरियाणा पुलिस जो महिला वाला कांस्टेबल का आया था उसमें आया था 18/3/2016 को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, यदि 1 रुपए में 2 नींबू खरीदे जाए और 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिए जाए, तो हमने बताना लाभ प्रतिशत। उसमें क्या है, 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे हैं और 3 रुपए में 4 की दर से उसने बेच दिए हैं, तो उसमें अन्य प्रतिशत बताना है। आसान तरीके से कैसे करेंगे, देखो 1 रुपए में 2 की दर से, 1 रुपए में 2 की दर से खरीद लिए, 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, क्रॉस में गुणा करो इसको, 5 × 5 3 × 6 5 रुपए की चीज 6 में बेच दी, 1 का लाभ हुआ है कितने पर, 5 पर, कितने परसेंट, 20%, ऐसे सोल्व कर लेंगे ये आंसर। अब देखो दूसरा, ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखो इसका, 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे, 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे, 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, सेम टाइप गुणा करो क्रॉस में, 5 × 20 6 × 18 20 की चीज 18 में बेची, 2 का नुकसान हुआ है कितने पर, 20 पर, तो गुणा में 100, काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10% लॉस और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलो दोस्तों आज की क्लास हम इतने ही करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में क्लास 4, ठीक है। जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं प्रॉफिट एंड लॉस के जितने पूछे गए सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। आज हमारी ये पहली क्लास थी प्रॉफिट एंड लॉस की, अगले चैप्टर में हम करेंगे इसको कंप्लीट, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।